हेलो दोस्तों, मेरे पास रियलमी C3 आया है। रियलमी 3 डिस्प्ले लगाना है, जैसे देख सकते हैं ब्लैंक हो गया। हम आपको बताते हैं कैसे कैसे लगाना है, कैसे चेंज करना है, कौन सा डिस्प्ले लगेगा इसमें। सबसे पहले दोस्तों, पहले इसका बैक पैनल ओपन करना, सिम स्लॉट निकाल करके। बैक पैनल मैंने ओपन किया था, ज़्यादा और ओपन करूँगा और यहाँ से ओपन करके इसको पूरा ओपन कर लूँगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने बैक पैनल ओपन कर लिया। मारने करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिंगर इसको साइड मिला लेंगे। फिंगर के पास से पहले हम लोग को स्क्रू ड्राइवर का मदद से इसको खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद सबसे पहले फिंगर हटाना दोस्तों, क्योंकि अगर फिंगर टूट गया तो आपका लॉस लग सकता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको पहले बाकी से ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों बैटरी कनेक्टर निकाल देना। बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद दोस्तों, चलिए फिर से साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद दोस्तों सारे स्क्रू ड्राइवर खोलेंगे, देखो सबको खोलेंगे, सब खोल लेना दोस्तों। खोलने के बाद दोस्तों अच्छे से फिंगर को खोलना, तभी दोस्तों आपका मतलब ये ओपन हो पाएगा। यहाँ पे नहीं तो ये यहाँ से लगा हुआ है, निकाल लेना यहाँ पे बचा हुआ दोस्तों। सारे नट को निकाल लेना दोस्तों। सब निकालने के बाद दोस्तों ओपन कर लेना है इसकी स्टील को। इसको साइड भी कर लेना दोस्तों, इसको साइड करके नट को साइड करके इसको देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले बैटरी पकड़ने पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से इसका सील का ये चिपकने जो होता है साइड करके, यहाँ से हम लोग इसको प्रेस करके निकालेंगे। तो वीडियो को मैं यहाँ से पॉज कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों मैंने बैटरी ओपन कर लिया। बैटरी ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से डिस्प्ले का कनेक्टर निकालना, यहाँ से दोस्तों डिस्प्ले को पकड़ लेना। डिस्प्ले को काट दिया हमने, ये डिस्प्ले पहले वाला पुराना जो खराब था और ये ओरिजिनल डिस्प्ले था दोस्तों, ये चेंज नहीं था। इसको मैं फेंक दूंगा दोस्तों। इसको फेंकने के बाद दोस्तों मैं इसको क्लीन करूंगा और मिडिल हल्का टेढ़ा देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हल्का टेढ़ा सीधा कर दूंगा। मैं इसको क्लीन करूंगा, पूरे को क्लीन करके दोस्तों मैं वीडियो आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने इसको साफ़ कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। हम अच्छे से क्लीन करने के बाद दोस्तों मैं इसको गमिंग करूंगा और मैं जो मिडिल जो टेढ़ा था उसको दोस्तों देख सकते हैं, पहले से मुकाबले में मिडिल मैंने सीधा कर दिया जितना हो पाया है मेरे से, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेस करूंगा तो दोस्तों टूट जाएगा, इसलिए मैंने इसको जितना हुआ उतना कर दिया। अब मैं इस पर गमिंग करके आपको देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस पर एकदम प्रॉपर गमिंग कर दिया है, कहीं से भी ज़्यादा गमिंग नहीं डालना है दोस्तों। अच्छी तरह से ग्लूइंग करना है कि सब कोनों पर अच्छे से साइड साइड लग जाए। और उसके बाद ये मेरा रहा दोस्तों फ्री रियलमी 3 का ये फोल्डर है, हम लोग इसको अब निकाल के लगाएंगे दोस्तों। आराम से पहले निकाल लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना सकता हूँ, थोड़ा सा दिखाई देगा पूरा डिया दोस्तों इसको, उसका कोई दिक्कत नहीं है, गमिंग ख़राब नहीं होगा। फिर इसको फोल्डर धीरे धीरे निकाल लेना दोस्तों। यहाँ पर मैं देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको प्रॉपर लगा दिया है। अब मैं इस पर रबर मारूँगा दोस्तों, रबर मार के इसको 3 घंटा सूखने के लिए छोड़ दूँगा। उसके बाद बैक पैनल अटैच करके तब रेडी करके कस्टमर को दूंगा दोस्तों। मैं रबर मार के आपको वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। इसको रबर मार दिए हैं और मोबाइल को ऑन भी कर दिए हैं। हार्डली आप 30 मिनट भी रख सकते हैं और 3 घंटे भी रख सकते हैं दोस्तों सूखने के लिए, लेकिन 30 मिनट में भी सूख के रेडी हो जाएगा। तो मोबाइल हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों, देख रहे हैं ऑन हो रहा है। हम ऑन होने तक वीडियो को रखेंगे और आपको टच दिखाएंगे वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी ऑन हो रहा है दोस्तों, ऑन हो रहा है, ये हमारा ऑन हो गया। यहाँ पर इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जाके हम लोग कुछ भी नंबर दाब के देखें। देखिए हमारा दोस्तों टच वर्क काम कर रहा है पूरा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।